बिहू पर्व। पर्व त्योहार का नाम सुनते ही लोगों के मन में उत्साह, उल्लास, उमंग और खुशी छा जाती है। मन मयूर नाच उठता है। लोग ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव को भुलाकर एक ही आनंद सागर में डूब जाते हैं। जिस उत्साह के साथ उत्तर भारत में दीपावली और होली मनाई जाती है और दक्षिण भारत में ओणम और पोंगल मनाया जाता है, उसी उत्साह के साथ असम के लोग बिहू पर्व मनाते हैं। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाने वाला एक अनोखा पर्व है। असम के इस त्योहार में बच्चे, बूढ़े सभी लोग अत्यंत उत्साह के साथ शामिल होते हैं। ये त्योहार शरद ऋतु में कार्तिक बिहू, बसंत काल में बोहाग बिहू और माघ माह में माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। इन तीनों में सबसे अधिक महत्व बोहाग बिहू का है। यह वसंत ऋतु, नव वर्ष तथा कृषि तीनों का त्योहार है। वसंत काल में जब चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, प्राकृतिक सुंदरता अपने पूर्ण यौवन पर होती है, पक्षियों के कलरों से वातावरण गुंजायमान हो उठता है, उस समय जनमानस का मन मयूर भी नाच उठता है। वे अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ बोहाग बिहू की खुशियां मनाते हैं। वहां के लोग बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग रंगरलियां मनाते हैं। बोहाग बिहू से संबंधित एक जनकथा असम में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बरदै चिल्ला नामक स्त्री बिहू के अवसर पर मायके आती है। उसी के आगमन की खुशी में प्रकृति इतना मोहक रूप धारण करती है। कुछ दिनों बाद यह स्त्री जब ससुराल वापस जाती है तो तेज हवाएं चलने लगती हैं। इस कथा को बच्चे बहुत मन से सुनते हैं। बसंत ऋतु आते ही किसान अपने खेतों की तैयारी में जुट जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं। आकाश से गिरने वाली प्रथम फुहार के साथ ही किसान खुशी से नाचने लगते हैं। असमवासी यह त्योहार कई दिन तक मनाते हैं। सबसे पहले दिन किसान खेती में सहायक पशुओं की पूजा करते हैं। इस दिन को गोरु बिहू कहते हैं। प्रातः काल होते ही लोग गौशाले की साफ सफाई करते हैं। लिपाई पुताई के साथ ही मक्खी मच्छरों को दूर करने के लिए धान की भूसी जलाते हैं। सभी लोग गाय बैलों को धोते हैं, उनकी सींगों पर तेल लगाते हैं और विधिवत नहलाते हैं। फिर उन्हें फूलों से सजाते हैं। इसके बाद उन्हें नदी या पोखर के किनारे ले जाते हैं। रास्ते में उन पर सब्जियों के टुकड़ों की वर्षा की जाती है। लोग गाय बैलों की पूजा करते हैं। इस दिन पशुओं के गले में बंधे पुराने पगहे यानी रस्सियों को खोल दिया जाता है। उस दिन उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। स्वयं भी हल्दी और नीम के पत्तों का लेप करके स्नान करते हैं। घर के सभी लोग एक साथ मिलकर पूजा स्थल पर प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से परिवार और समाज के कल्याण के लिए कामना करते हैं। फिर बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इस त्योहार का दूसरा दिन मानव बिहू के नाम से जाना जाता है। असम वासियों के अनुसार नए साल की शुरुआत इसी दिन होती है। इस दिन लोग सज धज कर मित्रों और संबंधियों को उपहार देने जाते हैं। उपहार देने की इस परंपरा को बिहुवान कहा जाता है। आम तौर पर बिहुवान में गमछा भेंट किया जाता है। लोग एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयां देते हैं। उत्सव का तीसरा दिन गोहाई बिहू के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी गांव वाले मिलकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं। यह आयोजन गांव के बाहर किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कोई भी एक बुरी आदत छोड़ने की सौगंध लेता है। यह
परिवार और समाज को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का एक अच्छा तरीका है। बोहाग बिहू के पर्व पर लोग रात भर नाच गाना करते हैं। सामूहिक नृत्य ये लोग एक गोला बनाकर करते हैं। ये जो लोग गीत गाते हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इनके वाद्य यंत्र ढोल, पेपा, भैंस की सींग से बना बाजा, गगना, तका, बांस से बनने वाला बाजा, ताल, सारंगी इत्यादि होते हैं। इस अवसर पर एक विशेष प्रकार का हुसोरी नृत्य किया जाता है, जिसमें मुख्य नर्तक बीच में रहते हैं एवं अन्य लोग उसके चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में युवा तथा वृद्ध सभी शामिल होते हैं। बिहू के अवसर पर जगह जगह विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया जाता है। ये लोग एक विशेष प्रकार का खेल खेलते हैं, जिसका नाम है कानी जूज। कानी का अर्थ है अंडा और जूज का अर्थ है लड़ाई। इस खेल में दो आदमी भाग लेते हैं। उनके हाथों में अंडा रहता है। वे एक दूसरे के हाथों में पकड़े अंडों पर वार करते हैं। इसके अतिरिक्त कबड्डी के समान एक खेल हाऊ तथा घोप अर्थात गेंद का खेल भी खेला जाता है। स्त्रियां कौड़ियां तथा शतरंज खेलती हैं। कहीं कहीं पर भैंसों की लड़ाई की प्रतियोगिता भी रखी जाती है। कार्तिक माह में जब धान की फसलों में बालियां निकल आती हैं, तब कार्तिक बिहू का त्योहार मनाया जाता है। खेतों में काम करती महिलाओं के गीतों की गूंज सुनाई पड़ने लगती है। जब धान तैयार होकर किसानों के घरों में आ जाता है, तब उनका मन उमंग और जोश से भर जाता है। इस समय लोग विशेष भोज का आयोजन करते हैं, जिसमें चावल के पुए, मिठाइयां और मछली के व्यंजन बनाते हैं। सभी मिलकर प्रीति भोज करते हैं और पूरी रात नाच गाना करके खुशियां मनाते हैं। इस प्रकार असमवासी बिहू का यह पर्व अत्यंत उल्लास और उत्साह के साथ